अरे बच्चों, आज हमें तीसरा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। आशा करेंगे कि आपको पीछे दो समझ में आ गए होंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की हिंदी में वाक्य में पहचान है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। अब चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये वाक्य के अंत में आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब लेते हैं पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, वाक्य को किस तरह जचाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों एक ध्यान रखो, हमें हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज हो जाता है, हैज या हैव किसके साथ प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। अन्य प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे ये करेंगे हम, वह पुस्तक पढ़ चुका है, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहती है, रीड द बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में बच्चों स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में एक चूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हम इसी को लेते हैं, वह है पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, ही हैज नोट रीड द बुक। समझ में आया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन आता है। जैसे स्ट्रक्चर आएगा, इसमें फॉर्मेट आएगा हैज या हैव, इसमें से एक चूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर बाद में सब्जेक्ट कर्ता आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में इंटरोगेटिव साइन। जैसे एग्जाम्पल हम चेंज करके लेते हैं, क्या वे पुस्तक पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, वे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे पहले हैव का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, दे रीड द बुक, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। इस तरह एक बात नोट रखना, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या एनी नेम सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ हैज का, और अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे सोल्ट में। कमेंट करना, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसको अच्छी तरह। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज देखिए। जैसे वह खाना खा चुका है, इसकी तीनों सेंटेंस की ट्रांसलेट करना है। जैसे हम एक करके दिखा देते हैं, वह खाना खा चुका है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, और खाना खा चुका है, खा होगी वर्ब, और खाना ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो करेंगे हम, ही हैज, खाना की वर्ब थर्ड आएगी बच्चों, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड। इसका हम नेगेटिव और बनाएंगे। नेगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग हो जाता है। जैसे ही हैज नोट ईटन द फूड। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में बच्चों ये ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आती है, हैज ही ईटन द फूड, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मोहन घंटी बजा चुका है,
मोहन सब्जेक्ट हो गया, बजाना वर्ब हो गया रिंग, और घंटी ऑब्जेक्ट हो गया द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस है राम दिल्ली जा चुका है, राम दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया और जाना की गो की थर्ड वर्ब आ जाएगी। वे फुटबॉल खेल चुके हैं, सब्जेक्ट दे हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया और खेलना प्ले वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दूध पी चुका हूँ, मैं आई हो गया बच्चों, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, दूध ऑब्जेक्ट हो गया और पीना वर्ब हो गया ड्रिंक। तो आशा करता हूँ आप ये घर पे प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।